साला कितनी खुशी होती है ना जब 10 दिन की छुट्टी पे घर आते हैं, कभी बुआ के घर तो कभी मौसी के घर, कभी इधर तो कभी उधर, कभी खुद को समय दे ही नहीं पाते, मिलते ही रहते हैं जिंदगी भर लोगों से, लोगों से मिलने के चक्कर में कभी खुद से मिल ही नहीं पाते हम। फौज में काम करते करते हम इतने सिंसियर हो जाते हैं कि पब्लिक ठगना स्टार्ट कर देती है, 10 का सामान 20 रुपए में बेचते हैं दुकान वाले, कनपट्टी के पास 6 हर बाल देखे नहीं कि सामान का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये फौजी लोग हैं, बार्गेनिंग करना नहीं जानते। और सच कहें तो हमने कभी मोल भाव करना सीखा ही नहीं, बस हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। जो दोस्त हमें दोस्त समझते थे, आजकल वो हमें कैंटीन समझने लगे। लेकर कार्ड और दारू से ज्यादा हमें किसी ने समझा ही नहीं। एक तो कभी किसी का फोन नहीं आता है, और फोन आता भी है तो सिर्फ ग्रोसरी आइटम के लिए। किसी को फेयर लवली चाहिए तो किसी को हॉर्लिक्स, तो किसी को अमेरिकन टूरिस्ट का बैग, और किसी को स्पोर्ट शूज। पहले पूछते थे कब आ रहे हो, होली में आ रहे हो, अच्छा होली में आ रहे हो तो एक मेरे लिए आरएस लेते आना। वैसे भी बिहार में दारू बंद है और कैंटीन के दारू में बहुत नशा है, 4 दिन तक सोते ही रहते हैं। अभी घर पे 4 दिन ठीक से पहुंचे हुए होता नहीं है कि जनता सवाल पूछना शुरू कर देती है, कब जाना है, कब की ट्रेन है भाई, कब जा रहे हो, इतना सवाल तो साला खुद से हमने कभी पूछा ही नहीं जितना बगल वाले पूछते हैं। एक तो कम उम्र में ही आ जाते हैं डिफेंस लाइन में और कट जाते हैं सोशल लाइफ से, कभी किसी के शादी में नहीं जा पाते, कभी किसी के फंक्शन में नहीं जा पाते। शिकायतें सबको रहती हैं कि हम नहीं आते हैं, पर क्या करें, अपनी जिंदगी को बस एडजस्ट कर लेते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को सोशल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि फौजियों का कोई सोशल लाइफ ही नहीं होता। अरे कंफर्म टिकट की तो दूर की बात है, साला 3 महीने पहले छुट्टी तो कंफर्म है। और हाँ, ये सब हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि फौजियों के लिए छुट्टी एक प्रिविलेज है, मौलिक अधिकार नहीं। जितना हमने संविधान को समझा है ना, उतना संविधान ने हमें समझा ही नहीं। हमारे अधिकारों में टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड कर दिया गया। सेना में पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन आजकल सारा पॉलिटिक्स सेना पर ही होता है, क्योंकि घर घर में हॉर्लिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स चलता है। अब क्या फर्क पड़ता है भाई साहब को कि बगल में 4 घंटे से कौन खा, जब कंफर्म सीट नहीं मिलता ना साहब, तो बाथरूम के बगल में कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी मतलब कहीं भी। ऐसे तो हमने कई बार अपने कंफर्म सीट पे लोगों को जगह दी है, अपने साइड लोअर को मिडिल अपर से एक्सचेंज भी किया, कई बार तो हम खड़े भी हो जाते हैं, मगर दिमाग नहीं लगाते, जज्बात को समझते हैं। आपको क्या पता है कि सुबह 10 बजे जब बिना लंच कराए शाम 4 बजे पुरानी दिल्ली से तिनसुकिया जाने का ऑर्डर आता है, तो ये भी नहीं पता होता कि ट्रेन है या नहीं, है तो समय है या नहीं, बस हाथ में वारंट का एक हरा पन्ना होता है जिसमें फ्रॉम और टू लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता है कि किस ट्रेन से जाना है, और ये रहा आपका कंफर्म सीट नंबर, बस चल देते हैं जय हिंद बोल के। हम आपसे आपका सीट नहीं मांगते, थोड़ी सी कोऑपरेशन मांगते हैं, थोड़ी सी उम्मीद मांगते हैं, बस थोड़ी सी दिल में जगह मांगते हैं फौजी समझकर, क्योंकि फौजियों के लिए तो सारा मुल्क अपना है। ये थोड़ी सी सिंपैथी ना किसी एलोपैथी से ज्यादा काम करती है साहब, इसलिए अपनों से गुजारिश है कि अपनों के लिए अब कभी भी ट्रेन के या बाथरूम के कहीं भी कोई फौजी भाई मिले ना, बस दिल के कहीं कोने में थोड़ी सी जगह दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। इफ आई डाई इन अ वॉर जोन, बॉक्स मी अप एंड सेंड मी होम, पुट माई मेडल्स ऑन माई चेस्ट टिल माई मॉम